हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल फ्रॉम एनफील्ड राहुल। आज हम बात करेंगे कि जो आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हुई है उसके अंदर आपको पावर एडेप्टर नहीं मिलता है, एंड अगर आप एक आईफोन 12 सीरीज के लिए टाइप सी वाला पावर एडेप्टर खरीदने वाला है या फिर खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको जरूर एक अच्छा सजेशन मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर देना। जैसा गाइस, आईफोन 12 लॉन्च होने के साथ ही एप्पल ने जो बताया था, अब जो आईफोन आएंगे उनके बॉक्स के अंदर आपको पावर ब्रिक नहीं मिलेगी। तो ये एक मेन डिसीजन था एप्पल का कि जो पावर ब्रिक आपको नहीं मिलेगी, एंड अगर आप अब आपको अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए एक पावर एडेप्टर या फिर कोई भी ऐसा एडेप्टर खरीदना होगा जो आपकी आईफोन को फास्ट चार्ज भी कर सके और आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ को भी मेंटेन कर सके। आईफोन 12 के लिए आप अगर 20 वॉट का चार्जर लेने वाले हो या टाइप सी वाला, लाइटनिंग टू टाइप सी वाला ऐसा चार्जर खरीदने वाले हो, तो एप्पल का जो ऑफिशियल चार्जर है जो एप्पल के ऑनलाइन इंडिया स्टोर पर अवेलेबल है, 1900 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा चार्जर है, 20 वॉट का फास्ट चार्जर है, आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा और आपके आईफोन को जल्दी भी चार्ज कर देगा। तो मेनली यही है कि जो आईफोन है, आईफोन की बैटरी हेल्थ का ज़्यादा रोल रहता है आपके आईफोन की बैटरी बैकअप को लेकर। जितनी आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ अच्छी होगी उतना आपका आईफोन ज़्यादा बैटरी बैकअप दे पाएगा। तो इसके लिए आपको एक 20 वॉट का जो फास्ट चार्जर है एप्पल के इंडिया स्टोर पर अवेलेबल है वो आप परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी वर्थ है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम 80,000 का जब फ़ोन ले रहे हैं तो 2,000 रुपये का चार्जर, इतना महंगा चार्जर कैसे ले सकते हैं। तो भाई, सबसे बड़ी बात है कि जब आप 80,000 रुपये का एक फ़ोन ले रहे हो तो 2,000 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, और वो 2,000 रुपये पे करना भी आपको ऐसा गिल्टी फील नहीं होगा या फिर आपको ऐसा कोई लॉस नहीं होगा। उससे आपको बेनिफिट यही रहेगा कि आपका जो आईफोन की बैटरी हेल्थ है वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहेगी, और आपका आईफोन है लॉन्ग टाइम तक आप जब यूज़ करते हो फ्यूचर में, जब 1-2 साल के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए जब आपने आईफोन ख़रीदा है, इतने पैसे लगाए हैं, तो ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ करोगे तो उसकी बैटरी हेल्थ ज़्यादा टाइम तक मेंटेन भी रहेगी और ज़्यादा बैटरी बैकअप भी दे पाएगा। जो एप्पल का ऑफिशियल चार्जर है, अगर आप थर्ड पार्टी चार्जर से अपने आईफोन को चार्ज करते हो तो प्रॉब्लम यही रहती है कि वो कुछ टाइम के बाद में, मतलब महीने भर के अंदर ही आपकी जो आईफोन की बैटरी हेल्थ है वो जल्दी जल्दी डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी से फिर लोकल चार्जर है वो जरूरत से ज़्यादा आईफोन को पावर देते हैं और उसके बाद में जो आईफोन की बैटरी है वो डैमेज हो जाती है और उसकी हेल्थ है वो काफ़ी जल्दी डाउन होने लग जाती है। एप्पल का ऑफिशियल चार्जर 20 वॉट का वो खरीद सकते हो, या फिर बेल्किन का MFI सर्टिफाइड चार्जर भी खरीद सकते हो। वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप रिसेंटली एक आईफोन के लिए चार्जर परचेज करने वाले हो तो 20 वॉट का 1900 रुपये के अंदर एप्पल इंडिया स्टोर पर अवेलेबल चार्जर है वो खरीद सकते हो। काफ़ी लेना वर्थ रहेगा, क्योंकि जब आपने 80,000 रुपये आईफोन के अंदर लगा लिया है तो 2,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। और अगर आप थर्ड पार्टी चार्जर से चार्ज करते हो तो ज़्यादा बैटरी डाउन होने के बाद में आपको एक टाइम के बाद में आईफोन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा या फिर जल्दी आपका आईफोन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप जब एप्पल के पास जाओगे या स्टोर में जाओगे कि हमको भाई बैटरी चेंज करके दो, तो उसका चार्ज आपको 8,000 से 9,000 रुपये भी पे करना पड़ सकता है, क्योंकि आईफोन की जो बैटरी है वो काफ़ी महंगी आती है। इससे अच्छा आप एप्पल का जो ऑफिशियल चार्जर है 2,000 रुपये के अंदर, 1900 रुपये के अंदर वो आप खरीद लो, तो आपका आईफोन ज़्यादा टाइम तक बैटरी हेल्थ मेंटेन भी रहेगी और बैटरी बैकअप भी अच्छा देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एप्पल के गैजेट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अपने चैनल पर आते रहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।